हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं बना रही हूँ होली के लिए, नाश्ते के लिए कुछ स्पेशल बना रही हूँ। इसके लिए मैंने लिया है बेसन, 1 कप बेसन ले लिया है, जिसमें मैंने लिया है आधा कप चावल का आटा। उसी बेसन का मान लो आधा चावल का आटा मिला लीजिए, और मैंने 1 चम्मच अजवाइन डाल दी है इसमें, 1 चम्मच हींग डाल दी है, और हम अब अपने मसाले डालेंगे। मिर्ची डाल दी है, हल्दी डाल दिए है, और अब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। यह हम होली पे बनाते हैं। कोई गेस्ट आ जाए तो उसके लिए हम नाश्ते में रख सकते हैं। सामान को मैं साथ के साथ रख देती हूँ, नहीं तो रसोई में जगह नहीं रहती है। सारा सामान रसोई पे इकट्ठा हो जाता है। अब हम डालेंगे इसमें तेल। इसमें मैंने 4 चम्मच तेल डाल दिया है। ये छोटी चम्मच ली है मैंने, इस छोटी चम्मच के नाप से 4 चम्मच तेल डाला है। अब इसको मैं हाथ से अच्छे से मसल लूँगी, जिससे इसकी जो तेल से इसका तेल पूरी तरह आटे में मिल जाए। इसमें जो ये दाने दाने से रहते हैं, ये मिट जाते हैं हाथों से अच्छी तरह मसलने में। अब मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटे की तरह एक डो तैयार कर लूँगी। हमारा आटे का डो तैयार हो गया है। अब इसकी मैं 4 बड़ी बड़ी लोइयाँ तोड़ लूँगी। आप चाहो तो इसको होली पे ट्राई कर सकते हो, बना सकते हो अपने घर पे। ये खाने में बहुत ही टेस्टी थी। बच्चे इनको खाने में बहुत खुश होते हैं। बच्चों को घर की चीज़ें खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा होता है। अब इसको मैं बेल लूँगी चकले पे। अगर ये थोड़ा सा बेलने में थोड़ा दिक्कत आती है, अगर बेलने में कोई प्रॉब्लम आए तो इसमें हमें तेल लगा के बेल लेना है। थोड़ा सा तेल लगा लेना है और फिर अच्छे से बिल जाएगी ये। और जैसे ही बिल जाएगी तो मैं एक एक गिलास ले लेना है छोटे से नाप का, और उससे हम कट कट कर लेंगे। देखो इस तरह से हमें कट कर लेना है। इस तरह से बनाने में क्या है कि जल्दी बन जाती हैं, और वो छोटी छोटी लोइयाँ बेलते हैं तो वो एक ही शेप में भी नहीं आती हैं और टाइम भी लगता है। इसमें क्या है कि एक बड़ी सी लोई बेलो और फटाफट गिलास से काट के एक ही शेप में आती हैं, तो ये जल्दी बन जाती हैं। मैंने सबको इस तरह से बना लिया है। अब ये देखो इस तरह से देखो बन गई है मेरी सारी पपड़ियाँ। अब मैं इसमें तेल में फ्राई कर लूँगी। तेल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था। एक एक डाल दूँगी तेल में फ्राई करने के लिए। इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है आँच को, कम आँच पे ही हमें सेकनी है। ज़्यादा आँच पे सेकेंगे तो ये बाहर से बिल्कुल लाल हो जाएंगी। ये देखो हमारी ये पपड़ियाँ सिक के तैयार हो चुकी हैं, और अब हम इनको निकाल लेंगे। और बारी बारी से ऐसे ही मैं सारी पपड़ियों को सेक लूँगी। मैंने दोबारा से डाल दिए इसमें। इस तरह से आप इस होली पे इसको ट्राई कर सकते हैं। ये खाने में चाय के साथ खाने में बहुत ही टेस्टी लग रही थी। इसको बनाएंगे तो आप नमकीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। मैंने ये सारी इस तरह से निकाल ली हैं। ये देखो कितनी सुंदर लग रही हैं, दिखने में भी बहुत ही अच्छी, और बनी भी बहुत अच्छी थी। बहुत ही खस्ता बनी थी, सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट बनी थी। ये देखो कितनी अच्छी बनी है।